जी पैस्टल की बातें हम कर रहे थे कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना है, एक्सटर्नल एनालिसिस परफॉर्म करना है। मीन बिजनेस के बाहर कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमने एनालाइज करना है, वहाँ से पॉजिटिव फैक्टर मीन अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए और नेगेटिव फैक्टर्स मीन थ्रेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ, वो एक्सटर्नल एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है, थ्रू पैस्टल फैक्टर्स। देखना है कि 5 नहीं 6 फैक्टर्स हमारे लिए पॉजिटिव हैं मीन अपॉर्चुनिटी हैं या फिर नेगेटिव मीन थ्रेट्स हैं। पॉलिटिकल फैक्टर कवर हम कर चुके। क्या देखना है, गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस हमारे बिजनेस के ऊपर, और एक गवर्नमेंट बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है हमारी बुक के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट स्पेंडिंग की फॉर्म में, टैक्सेशन की फॉर्म में, इकोनॉमिक पॉलिसीज की फॉर्म में, लेबर लॉज की फॉर्म में, या इंटरनेशनल रिलेशन एंड देयर पॉलिसीज की फॉर्म में, या हमने देखा प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन की फॉर्म में भी इन्फ्लुएंस करती है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी की फॉर्म में भी गवर्नमेंट हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन 7 चैप्टर 1 में उसने कुछ और बातें भी हमें बता दी। उसने बता दिया नहीं, एक बिजनेस भी गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे, प्रेशर ग्रुप लॉबी ग्रुप के थ्रू, या फिर फंडिंग प्रोवाइड करके, या कोई 3 तरह की स्ट्रैटजीज हैं जिसके थ्रू बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटजी के थ्रू, फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब क्या था, फंड्स प्रोवाइड करके, टैक्स प्रोवाइड करके, या बीइंग अ बिग एम्प्लॉयर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयमेंट की फॉर्म में। ये क्या थी, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटजी, मीन बिजनेस फाइनेंशियल इंसेंटिव गवर्नमेंट को देते हुए गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, या इन्फ्लुएंस करता है थ्रू बिल्डिंग कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटजी। कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटजी मीन रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर के थ्रू। हाँ, वो रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर के थ्रू कैसे इन्फ्लुएंस करता है, स्टेक होल्डर कोएलिशन के थ्रू, मीन सप्लायर के साथ कस्टमर के साथ रिलेशन क्रिएट करके, एडवोकेसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मीन गवर्नमेंट पॉलिसीज के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट करके, या फिर ट्रेड एसोसिएशन मीन बिजनेसिस का आपस में एक ग्रुप बना के गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ट्रेड एसोसिएशन, कोई ट्रेड एसोसिएशन 2-3 नाम दिए जा सके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पामा, पामा स्टैंड फॉर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, और क्या था, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन APTMA, क्या ख्याल है। या एक बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कैसे, बाय पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू, मीन अपना एक पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट बना के, मीन ऐसे लोग रख के जो पॉलिटिशियंस के साथ रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन करते हैं। तो 3 वेज में बिजनेस गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव स्ट्रैटजी के थ्रू, कंस्टिट्यूएंसी बिल्डिंग स्ट्रैटजी के थ्रू, और तीसरा पब्लिक अफेयर डिपार्टमेंट के थ्रू। फिर इसके अलावा चैप्टर 1 में हमने पढ़ लिया कुछ आइडियोलॉजीज, पोलिटिकल आइडियोलॉजीज, 5 तरह की पोलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, सेंटर मॉडरेट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक या फिर कैपिटलिज्म फ्री इकॉनमी, और 5वां डिक्टेटरशिप। और हमने क्या पढ़ लिया चैप्टर 1 के अंदर, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर कोई 6 डिफरेंट जो है वो पीरियड्स जिसके अंदर गवर्नमेंट किस किस ने चलाई और किस तरह से चलाई। तो पहला पीरियड 1947 टू 1958 जिसके अंदर 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, लियाकत अली खान की मेनली गवर्नमेंट थी, इकॉनमी डिस्टर्ब थी, और मेन इशू जो था वाटर स्टॉपेज बाय द इंडिया का फेस करना पड़ा। उसके बाद 1958 से 1970 तक अयूब खान का दौर, क्या कहला है, जिसने मार्शल लॉ के थ्रू रिप्लेस किया किसको, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ लियाकत अली खान। हाँ, इसमें जीडीपी जो है वो 6% था, इसमें स्टार्ट हुई ट्रेड एक्सपोर्ट विद मलाइशिया इंडोनेशिया, और क्या था, स्टेबल मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। और उसके बाद 1971 टू 1977 थर्ड दौर आया, थर्ड पीरियड ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट, जिसमें जीडीपी जो है वो 3% पे ड्रॉप हो गया, जिसमें
इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट हुई, एग्रीकल्चर थोड़ा जो है वो बूस्ट हुआ, और इन्फ्लेशन हाई पीक पे, और क्या इसने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, सोशलिज्म। सोशलिज्म कैसे, थ्रू नेशनलाइजेशन ऑफ मैनी सेक्टर लाइक बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनीज एंड राइस मिल्स, और क्या होगी, फेल होगी इसकी गवर्नमेंट ड्यू टू नॉट सपोर्ट फ्रॉम द 22 बिग फैमिलीज फ्रॉम द कंट्री। और उसके बाद चौथा दौर स्टार्ट हुआ, किसका, जियाउल हक का दौर, मार्शल लॉ, जिसने रिप्लेस किया जुल्फिकार अली भुट्टो गवर्नमेंट को फ्रॉम 1977 टू 1988। और इसमें क्या था, जीडीपी मूव टुवर्ड्स 6.6% और 4% ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, 8% ग्रोथ इन इंडस्ट्री, क्या ख्याल है। और उसके बाद स्टार्ट हुआ क्या, 1988 से लेकर 1999 तक टू पार्टीज गवर्नमेंट रिप्लेसिंग ईच अदर, पीपल्स पार्टी एंड PMLN मीन बेनजीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। और क्या रहा इसमें, इकॉनमी डिस्टर्ब रही, GDP चेंज होता रहा, PPP में एग्रीकल्चर बूस्ट, इंडस्ट्री इफेक्ट होता रहा, और मुस्लिम लीग में एग्रीकल्चर अफेक्ट और इंडस्ट्री बूस्ट होता रहा। और 1999 में फिर आ गया छठा दौर, छठा दौर क्या कहला है, किसका, परवेज मुशर्रफ का टिल 2008, जिसमें क्या हुआ, GDP इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्री प्रमोट हुई, एग्रीकल्चर प्रमोट हुआ, मीडिया प्रमोट हुआ, टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट जो है वो हाई हुई। और उसके बाद से आगे फिर डिफरेंट अदवार चलते आ रहे हैं जिनकी हमारे पास डिटेल नहीं है। मैं थोड़ा सा बताया गया है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अगर डिस्टर्ब रही है तो किस दौर में, किस किस वजह से डिस्टर्ब रही है। चैप्टर टू की तरफ चलें तो चैप्टर टू हमारा जो है वो पूरा का पूरा है किसके ऊपर, इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर। मीन कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, क्या फैक्टर हैं। उनमें जाने से पहले अगर हम पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करें कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, कल को CA करने के बाद छोटे बहन भाई ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हाँ CA में आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ी हुई है, किसी कजन ने पूछ लिया अच्छा इकोनॉमिक्स होती क्या है, चाचे ने पूछ लिया भाई इकोनॉमिक्स क्या होती है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस या साइंस, साइंस, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ व्हाट, ऑफ व्हाट, ऑफ हाउ टू फुलफिल अनलिमिटेड नीड वांट्स थ्रू स्केयर्स रिसोर्सिस। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस अबाउट हाउ टू फुलफिल अनलिमिटेड नीड वांट्स थ्रू स्केयर्स रिसोर्सिस। वर्ड स्केयर्स का मतलब क्या, तो वर्ड लिमिटेड उसने यूज क्यों नहीं किया, ये इतना औखा वर्ड स्केयर्स क्यों यूज किया, स्केयर्स का मतलब क्या है, लिमिटेड एट द मोमेंट, मीन आगे रिसोर्सिस और हैं लेकिन अभी क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड एट द मोमेंट, इसलिए उसने वर्ड लिमिटेड नहीं यूज किया। लिमिटेड का मतलब क्या है कि बस आगे है ही नहीं, स्केयर्स का मतलब क्या है, लिमिटेड एट द मोमेंट मीन आगे और हैं, अभी लिमिटेड है। सो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस अबाउट हाउ टू फुलफिल अनलिमिटेड नीड वांट्स थ्रू स्केयर्स रिसोर्सिस, या इकोनॉमिक्स डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन स्केयर्स रिसोर्सिस एंड अनलिमिटेड नीड वांट्स, डिफाइन किया जा सकता है। इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्या डिफरेंस है दोनों में, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री लेवल इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री लेवल इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मीन एक इंडिविजुअल के लेवल पे स्टडी करना कि ये डिमांड सप्लाई कैसे होती है, इसकी विशेष क्या होती हैं, इंडिविजुअल फर्म के पॉइंट से देखना कि प्रोडक्शन कैसे होती है, इंडस्ट्री के पॉइंट से देखना कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे बढ़ती है, ये क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स
एज ए होल ऑफ द इकोनॉमी एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मीन एक बंदे, एक बिजनेस, एक इंडस्ट्री के लेवल पे इकोनॉमिक्स को स्टडी करना, ये क्या है? माइक्रो। होल इकोनॉमी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करना, ये क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। हमारे इस सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स नहीं है। वो क्या है? डिमांड है, सप्लाई है, प्राइस है, कंज्यूमर इनकम है। हमारे सिलेबस में क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। क्या है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं? पहला फैक्टर है जी नेशनल इनकम, जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है, बोले तो जीडीपी। क्या होता है ये? वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड नेशनल इनकम। बढ़ रही है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, तो हमारे बिजनेस के लिए थ्रेट है या अपॉर्चुनिटी है? अपॉर्चुनिटी है, क्यों? इकॉनमी ग्रोथ में है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है तो हमारी सेल के, बिजनेस ग्रोथ के चांसेस है। नेशनल इनकम एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कम हो रही है, इकॉनमी डिक्लाइन में है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, इनकम कम हो रही है, तो ये हमारी सेल बिजनेस ग्रोथ को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? थ्रेट। तो एक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। क्या कह रहा है? कैसे नेशनल इनकम मेजर की जाती है? नेशनल इनकम मेजर कैसे की जाती है? कहता है कि तीन मेथड्स हैं जिनके थ्रू नेशनल इनकम मेजर की जाती है। एक है एक्सपेंडिचर मेथड, एक है इनकम मेथड और एक है आउटपुट मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है कि एक इकॉनमी के जितने भी एजेंट हैं, इकॉनमी के जितने भी एजेंट हैं उनके एक्सपेंडिचर को ऐड कर ले तो हमारे पास नेशनल इनकम बन जाती है। एक इकॉनमी के चार एजेंट होते हैं, एक कंज्यूमर, एक फार्म, एक गवर्नमेंट और एक फॉरेन सेक्टर। चार एजेंट ऑफ इकॉनमी है, कंज्यूमर, फार्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। तो इनके एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड कर लें, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर क्या होगा? उसे नाम देता है कंजम्पशन, मींस सी। फार्म का एक्सपेंडिचर क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, जिसे डिनोट किया जाता है आय से। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे जी से डिनोट किया जाता है। और फॉरेन सेक्टर के एक्सपेंडिचर क्या होंगे? डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है? एग्रीगेट डिमांड मीन नेशनल इनकम। बचपन में थोड़ा सा वापस जाएं, इकोनॉमिक्स यही थी। एक्सपेंडिचर मेथड मीन चार एजेंट ऑफ इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर लेने, किसके? हाउस होल्ड के एक्सपेंडिचर लेने कंजम्पशन, फर्म के एक्सपेंडिचर ले लें इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ले लें जी, और फॉरेन सेक्टर के एक्सपेंडिचर ले लें मीन डिफरेंस बिटवीन एक्स एक्सपोर्ट माइनस एम इंपोर्ट। तुम्हारे पास क्या आ गई? नेशनल इनकम। इनकम मेथड क्या था? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम ले लें। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इनकी इनकम ले लें। लैंड की इनकम रेंट, लेबर की इनकम वेजिस, कैपिटल की इनकम इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन की इनकम प्रॉफिट। इनको ऐड कर लें तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। आउटपुट मेथड क्या था? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी वैल्यू ले लें। क्या ख्याल है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं तो किसी की इनकम बनी है। क्या ख्याल है? वही इनकम जो बनी है वो किसी के क्या है? एक्सपेंडिचर बने हैं। तो तीनों से आप नेशनल इनकम कंप्यूट कर सकते हो। हमारी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये पहला मेथड दिया गया, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम कंप्यूट कैसे होती है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स माइनस एम को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह रहा? अब एक गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक एम होता है वो क्या होता है? नेशनल इनकम ग्रो हो या कम हो? ग्रो हो। ग्रो कैसे होगी? जब ये सारी चीजें ग्रो होंगी।
क्यों? ये सारी चीजें ग्रो होंगी तो नेशनल इनकम क्या होगी? ग्रो होगी। तो गवर्नमेंट चाहती है सारी चीजें ग्रो, लेकिन इनमें से कुछ चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट फिर उसे ग्रो करने की कोशिश करती है ताकि इकॉनमी बूस्ट अप हो। और गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्या है? जी, बजट के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन अपनी स्पेंडिंग ऑन इकॉनमी को इंक्रीज करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा ज्यादा लगाओ, एजुकेशन पे पैसा ज्यादा लगाओ, ग्रांट सब्सिडीज लोगों को ज्यादा दो। लेकिन किसी एक फैक्टर को अगर टू मच इंक्रीज करेंगे तो उससे फिर बाकी फैक्टर अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ से इंक्रीज करने हैं? टैक्स इंपोज करके। जब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स इंपोज करने की कोशिश करेगी तो उससे क्या होगा? कंजम्पशन कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट कम होने से क्या एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी? कम होंगी, कम उल्टा इंपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी। तो इस तरह से इंक्रीज करना है कि बाकियों के ऊपर भी नेगेटिव इफेक्ट ना आने पाए। क्यों? गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एम है कि सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? इंक्रीज होने चाहिए। ये इंक्रीज होंगे, तुम्हारी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम इंक्रीज करने इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, क्या कह रहा है? लेकिन किसी एक फैक्टर को अगर टू मच इंक्रीज करेंगे तो उसका बाकियों के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आने से उल्टा इकॉनमी तबाह हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी पॉलिसी बनानी है कि सारे के सारे फैक्टर जो हैं वो एक साथ ही ग्रो होने चाहिए। सो नेशनल इनकम एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अपॉर्चुनिटी है। डिक्रीज हो रही तो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, मीन थ्रेट है। कैसे कंप्यूट होती है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट एंड एम स्टैंड फॉर इम्पोर्ट। इसके अलावा वो कहता है जी इन्फ्लेशन एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इंक्रीज या राइज इन जनरल प्राइस लेवल इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। हमारे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है? थ्रेट है। क्यों? इससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। रॉ मटेरियल महंगा, लेबर महंगी, ओवरहेड महंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी जिससे हमारा प्रॉफिट कम होगा। अगर हम प्राइस ज्यादा करने की कोशिश करेंगे टू मेंटेन प्रॉफिट तो सेल डिमांड अफेक्ट होने से हमारा बिजनेस नेगेटिवली अफेक्ट होगा। क्या ख्याल? इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होने से जो प्राइसेस में राइज आया, ये क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको वेज स्पिरल इन्फ्लेशन का नाम भी दिया जाता है। लेबर ने मुंह फाड़ के वेजी ज्यादा मांगी तो उसे क्या हुआ? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आपको क्या करना पड़ा? अपनी प्राइसेस बढ़ाना पड़ी। तो ये क्या है? कॉस्ट ने पुश किया प्राइसेस को। डिमांड पुल क्या है? कि जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ गया, इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई ज्यादा हो गई, तो लोग औकात से बाहर हो गए, बेजा चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब बेजा चीजों की डिमांड करना शुरू कर दी, पीछे से उतनी सप्लाई नहीं है, तो उसकी वजह से जो प्राइसेस राइज हुई हैं, ये क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या ख्याल? जिसको कंट्रोल करने के लिए फिर सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट को ज्यादा करते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इस इन्फ्लेशन का कुछ इफेक्ट है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, वो फैक्टर्स हमने पढ़ने हैं। इन्फ्लेशन आपकी एक ग्रोथ नेशनल इनकम को रिसेशन में कन्वर्ट कर देता है। इन्फ्लेशन आपकी ग्रोथ नेशनल इनकम को रिसेशन में कन्वर्ट कर देता है। कैसे? कि हमने मेजर किया कि हमारी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कितने से? 8% से। हम क्या कहेंगे? इकॉनमी हमारी ग्रोथ में। लेकिन अगर साथ इन्फ्लेशन 10% है तो उसे क्या हुआ? हमारी इकॉनमी ग्रोथ में नहीं बल्कि 2% डिक्लाइन में। ये जो हमने 8% कहा कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ज्यादा प्रोड्यूस हुई है, मीन नेशनल इनकम ग्रोथ हुई है, इसको नाम दिया जाता है मनी या फिर नॉमिनल जीडीपी का। मनी या नॉमिनल जीडीपी,
लेकिन हमने जो जीडीपी ग्रोथ देखना होती है विद इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन देखना होती है, मीन ये क्या है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट के बाद अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी जो निकली है ये वाली माइनस, इसे नाम दिया जाता है रियल जीडीपी। मीन इन्फ्लेशन क्या करता है, हमारी एक ग्रोथ नेशनल इनकम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, रिसेशन में, इन रियल फॉर्म। क्यों, हमने जो नेशनल इनकम ग्रोथ देखना होती है वो इन रियल फॉर्म देखना होती है विद इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी हुई है। ये बात समझ आती नहीं आती, क्या ख्याल है? एक बिजनेस ने क्या किया, लास्ट ईयर की बिजनेस की जो है वो सेल थी सपोज 100,000। कैसे निकाली 100,000 सेल, के बिजनेस ने क्या किया 1,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 100 जो है वो सेल किए, 100,000 सेल हो गई। करंट ईयर में बिजनेस की सेल जो है वो है सपोज 105,000 या 110 पहले करो जरा, और बिजनेस कहता है जी हमारी सेल ग्रो हुई है। ये जो 10% तक सेल में इंक्रीज है ना, ये होता है ड्यू टू प्राइस इन्फ्लेशन, जो एक नॉर्मल सा पर ईयर होता है। इसमें अगर पिछले साल आपकी सेल 1,00,000 थी, इस दफा कितनी है 1,10,000, तो दिस मीन आपकी सेल ग्रोथ नहीं हुई, आपके यूनिट उतने ही सेल हुए हैं जितने लास्ट ईयर सेल हुए थे। क्यों, ये जो 10% है ये क्या है, प्राइस चेंज की वजह से इंक्रीज नजर आ रहा है। क्या कहला, ये समझ आती बात? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके सेल यूनिट इंक्रीज नहीं हुए। हाँ, अगर आपकी करंट ईयर की सेल जो है वो है 105,000, ये क्या है, सेल ग्रोथ है, ये सेल डिक्लाइन है, डिक्लाइन है। क्यों, आपके यूनिट एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्या हुए हैं, कम हुए हैं। क्यों, 10% तक तो प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से इंक्रीज आता है। तो इस तरह से अगर हमने मेजर की कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है 8% से, मीन हमने एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 8% ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं। नेशनल इनकम है क्या, वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर, वैल्यू क्या कह रहा है, उनकी प्राइस वैल्यू, और अगर साथ इन्फ्लेशन 10% है तो दिस मीन ये 8% ग्रोथ नहीं है, इन रियल टर्म क्या है, डिक्लाइन है, कितना 2%। तो इन्फ्लेशन क्या है, हमारी ग्रोथ नेशनल इनकम को डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है इन रियल टर्म। तो पहला इफेक्ट हमने इन्फ्लेशन का देख लिया किस चीज के ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर, ये एक ग्रोथ नेशनल इनकम को डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है। क्या ख्याल है, इसका हाउस होल्ड के ऊपर भी इफेक्ट बताया जा सकता है। हाउस होल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, इन्फ्लेशन हाउस होल्ड की क्या करेगा, परचेजिंग पावर को कम कर देता है, हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर को कम कर देता है। इन्फ्लेशन का बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर देता है। क्या कह रहा है, इन्फ्लेशन का सेवर, सेवर मीन जो लोग सेविंग करते हैं उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट आएगा। yes, क्या उनकी सेविंग को कम कर देगा इन रियल टर्म्स। आज आपने 100 रुपया सेव करके रखा, कल को जब यूज करना है तो 100 रुपए की वैल्यू क्या 100 होगी, नहीं, उसकी वैल्यू 90 हुई होगी। क्या कहला, इन्फ्लेशन बॉरर और लैंडर को भी इफेक्ट करता है। बॉरर गेन करेगा या लैंडर गेन करेगा, बॉरर कौन है, पैसा लेने वाला, लैंडर पैसा देने वाला। आज आपने 100 रुपया उधार लेके उससे 100 चीजें खरीद ली, कल को जब आपने 100 पे करना है तो क्या उसकी 100 चीजें मिलेंगी, 90 मिलेंगी, 90 मिलेंगी। तो बॉरर क्या हो गया, गेन कर गया, और लैंडर क्या कर गया, लूज कर गया। क्यों, कल को 100 रुपया जब उसे वापस मिलना है तो 100 रुपए की वर्थ उतनी नहीं रहनी। तो इन्फ्लेशन एक ग्रोथ नेशनल इनकम को इन रियल टर्म डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है, हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर को कम कर देता है, उसे कुछ चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ती हैं, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए प्रॉफिट को अफेक्ट करता है, सेवर की सेविंग अमाउंट को रिड्यूस कर देता है, बॉरर गेन करता है और लैंडर लूज करता है। क्या कह रहा है, बॉरर गेन करता है, लैंडर लूज करता है। इन्फ्लेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी इफेक्ट करता है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट,
क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। सरप्लस का मतलब क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, और डेफिसिट का मतलब क्या है, आपकी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है। ये जो सरप्लस या डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करता है। सरप्लस एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम, आपने बाहर चीजें भेजी ज्यादा, मंगवाई कम, तो नेट में आपने बाहर से पैसा लेना है या देना है, लेना है, उन्होंने देना है। कैसे देना है, हमारा रुपी बाय करके, अपना डॉलर सेल करके। तो इसे रुपी की बाइंग में डिमांड ज्यादा होगी तो रुपी अप जाएगा, डॉलर नीचे जाएगा। डेफिसिट, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा, नेट में पैसा आपने बाहर देना है या लेना है, देना है, एक्सपोर्ट कम, इंपोर्ट ज्यादा, देना है। कैसे देना है, डॉलर बाय करके, और जब डॉलर बाय करना है तो उसकी डिमांड होने से डॉलर क्या होगा, अप जाएगा, हमारा रुपी डाउन जाएगा। और यही रीजन है पाकिस्तान में डॉलर का रेट अप 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 क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, हमारी एक्सपोर्ट नहीं है और इंपोर्ट आपके पर्सनल लेवल पे डे बाय डे बढ़ती 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 चली जा रही है। क्या कह रहे, मोबाइल फोन आज से 2 साल पहले जो आप यूज करते थे उसकी कॉस्ट, और आज जो यूज करते हैं उसकी कॉस्ट में देखो तो शायद डबल से भी ज्यादा का डिफरेंस है। है ऐसे? मोबाइल फोन के साथ जो एक्सेसरीज आज आप यूज करते हो, 2 साल पहले ये यूज नहीं करते, सारी चीजें कहां से आती हैं, बाहर से इंपोर्ट होती हैं। ये तो आपके पर्सनल लेवल पे इंपोर्ट है। ठीक है, खाने पीने की चीजें हमारी बाहर से इंपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, तो डॉलर कैसे नीचे आएगा, नहीं आ सकता। हाँ, ये कौम अगर एक माह इंपोर्टेड चीजें यूज करना बंद कर दे तो आज डॉलर 100 से नीचे आ जाएगा, लेकिन ये कौम करेगी नहीं, मर जाएगी। क्या कहना, मर जाएगी ना। सो इन्फ्लेशन हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे, हमारी चीजों के अगर प्राइसेस ज्यादा हैं तो इससे हमारी एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इंपोर्टेड चीजें बाहर तो इन्फ्लेशन नहीं है ना, वो यहाँ पे लोगों को सस्ती नजर आएंगी, लोग इसको प्रेफर करेंगे इंपोर्टेड गुड्स को, तो उसे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स मीन डेफिसिट में चला जाएगा। इन्फ्लेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही नहीं, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी इफेक्ट करेगा। क्या कह रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी इफेक्ट करेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर एडवर्स होगा तो उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट भी क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। क्या पढ़ रहे हैं हम, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन या इंप्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम को कैसे इफेक्ट करता है, एक ग्रोथ इनकम को इन रियल टर्म डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है, हाउस होल्ड की परचेजिंग पावर को अफेक्ट करता है, बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हुए प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, सेवर की सेविंग को इन रियल टर्म रिड्यूस कर देता है। हाँ, बॉरर गेन करता है, लेंडर लूज करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को डेफिसिट में कन्वर्ट कर देता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट को भी एडवर्स कर देता है। मीन फायदा सिर्फ इसमें किसको मिल रहा है, उधार लेने वाले को, बाकी सबको ये एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है। क्या ख्याल, सो नेशनल इनकम एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, इन्फ्लेशन भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करती है। व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल वांट टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब्स। एक कंट्री के अंदर 10 लाख लोग जो है वो काम नहीं कर रहे, तो क्या 10 लाख अनएम्प्लॉयमेंट है, नहीं, उनमें से कितने विलिंग हैं काम करने के लिए, सपोज 6 लाख विलिंग हैं काम करने के लिए, बाकी 4 लाख वेले मसरूफ रहना पसंद करते हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट 10 लाख नहीं है, क्या है, 6 लाख है। पीपल आर विलिंग टू वर्क बट कैन नॉट फाइंड जॉब, जितने विलिंग टू वर्क हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है। इकॉनमी के लिए अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, और जो चीज़ इकॉनमी के लिए बुरी है और हम उस इकॉनमी में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तुम्हारे बिजनेस के लिए भी क्या है, बुरी है। क्या कह रहा है, क्यों, लोगों की परचेजिंग पावर कम है ना, परचेजिंग पावर कम है तो इसे हमारी सेल अफेक्ट होगी, क्यों, कंजम्पशन अफेक्ट हो रही है। वो कहता है वेरी हाई लेवल अनएम्प्लॉयमेंट भी बिजनेस के लिए बुरी है,
कि वो इकोनॉमी के लिए बुरी है, वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बिजनेस के लिए बुरी है, वो क्यों? इन अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, ये भी बिजनेस के लिए बुरी है, क्यों? कि हमें अगर वर्कर चाहिए, स्किल लेबर चाहिए तो मिलेगी नहीं, क्यों? शॉर्टेज ऑफ लेबर, और अगर मिलेगी तो मुंह फाड़ के पैसा मांगेगी जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी, इसलिए वेरी हाई इकोनॉमी के लिए बुरी है, बिजनेस के लिए बुरी है, लेकिन वेरी लो भी बिजनेस के लिए बुरी है, क्यों? शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाएगी, और अगर हम रिक्वायर करेंगे लेबर तो फिर हमें हाई कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी, क्यों? कहीं और से खींचना पड़ेगा बंदा, तो एक फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट करता है पॉजिटिवली नेगेटिवली। हाँ, इसके अलावा वो कहता है जी क्या है हमारे पास कुछ नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज भी हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये क्या होती हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज दो तरह की होती हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनिटरी पॉलिसी। ये क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का बजट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की पॉलिसी, और गवर्नमेंट का बजट जो है वो या तो सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होता है। सरप्लस बजट का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो हैं वो कम हैं और गवर्नमेंट की इनकम जो है वो ज़्यादा है। इनकम बोले तो टैक्स ज़्यादा है, और एक्सपेंडिचर बोले तो ग्रांट सब्सिडीज इंफ्रास्ट्रक्चर पे कम है। बिजनेस के लिए सरप्लस बजट गवर्नमेंट का अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? शेकी आंसर नहीं, क्लियर आंसर चाहिए। अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? थ्रेट है, क्यों? टैक्स ज्यादा, टैक्स ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ग्रांट सब्सिडी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन पे पैसा गवर्नमेंट ज्यादा लगा रही है, और गवर्नमेंट की इनकम बोले तो टैक्स जो है वो कम है, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? अपॉर्चुनिटी है। तो गवर्नमेंट ये एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कहां से करेगी? गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कहां से करेगी? आप टैक्स कम दे रहे हो, आपको गवर्नमेंट लगा ज्यादा रही, कहां से करेगी? फॉरेन लोन लेके, फॉरेन लोन लेके, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन लोन लेती है। क्यों? आज इकोनॉमी पे पैसा लगाएंगे तो इससे बिजनेस को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बिजनेस प्रमोट होंगे, इकोनॉमी ग्रो होगी, बिजनेस प्रमोट होंगे, इकोनॉमी ग्रो होगी, तो कल को इस ग्रोथ इकोनॉमी से हम क्या करेंगे? सरप्लस बजट के थ्रू पैसा निकाल के लोन पे कर देंगे। इसलिए आज तक हर गवर्नमेंट लोन लेती रही है, लेकिन मसला क्या हुआ कि वो लोन इकोनॉमी पे लगता नहीं रहा। वो लगता रहा है कहाँ पे? कोई मेफेयर फ्लैट्स में, स्विस अकाउंट्स में, क्या ख्याल है? अगर इकोनॉमी पे लगा होता तो आज यहाँ पे निकाल के लोन पे कर दिया जाता, क्या ख्याल है? मसला ये है, हर गवर्नमेंट इसी नीयत के साथ लोन लेती है कि इकोनॉमी पे लगाएंगे, इकोनॉमी ग्रो होगी तो बाद में निकाल के लोन पे कर देंगे, लेकिन पैसा चीज़ ही ऐसी है जैसे सामने आता है तो बड़े बड़ों की नीयत खराब हो जाती है। बड़े बड़े मौलवी भी वहाँ पे फ्लैट हो जाते हैं, पैसा नज़र आ जाए बस, लेते वक्त नीयत ठीक है कि अपनी इकॉनमी पे लगाना है, लेकिन जब हाथ में आया ओह पैसा तो नीयत खराब हो जाती है। सो फिस्कल पॉलिसी बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करती है, मॉनिटरी पॉलिसी भी बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करती है। क्या है ये पॉलिसी? मॉनिटरी पॉलिसी क्या है? कंट्रोलिंग मनी सप्लाई थ्रू मैकानिज्म लाइक इंटरेस्ट रेट, कंट्रोलिंग मनी सप्लाई थ्रू मैकानिज्म लाइक इंटरेस्ट रेट, मीन इंटरेस्ट रेट के थ्रू मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल करने की पॉलिसी को नाम दिया जाता है मॉनिटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट देखती है कि जब मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो गई है, लोगों के हाथों में पैसा ज़्यादा हो गया है, वो काज से बाहर हो गए हैं, बेजा चीज़ों को इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, तो क्या क्रिएट हो गया है? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए सेंट्रल बैंक को हुक्म दिया जाता है कि आप क्या करो, इंटरेस्ट रेट को हाई कर दो। मीन पैसा इकॉनमी से कहाँ पे ले आओ? बैंकों में ले आओ।
ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए। सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन रुक जाएगा। क्यों? जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, पैसा घरों में तिजोरियों में नहीं रखेंगे, पॉकेट में नहीं रखेंगे, बैंक में रखेंगे। क्यों? इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है, जिससे कंजम्पशन कम होगी, सेविंग ज़्यादा होगी। और कंजम्पशन कम हुई तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? आपकी सेल अफेक्ट होगी। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो लोग इक्विटी में नहीं, बैंकों में इन्वेस्ट करेंगे। बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको लोन पे भी अगर जाना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होगी? ज्यादा। जो बोरिंग को कम करेगा तो यह भी बिजनेस के लिए क्या हो गया? नेगेटिव। इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट आ रहा है किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर? कंजम्पशन के ऊपर। इसके अलावा बोरिंग के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। क्यों? बोरिंग होगी नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट मीन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्या कहना? तो बिजनेस के लिए क्या है? नेगेटिव है। तो अगर नेगेटिव है तो सेंट्रल बैंक को क्या मुसीबत पड़ी थी कि उसने इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दिया? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था, और जैसे ही इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा फौरी इंटरेस्ट रेट क्या करना है? लो करना है। क्यों? लो नहीं किया तो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। हाँ, इंटरेस्ट रेट का लो होना क्या होगा? कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे। क्यों? हमें हराम नहीं खाना, घर पे तिजोरी में पड़ा रहने दो। और जब घर पे तिजोरी में पॉकेट में हो तो वो फिर खर्च होता है। तो कंजम्पशन ज़्यादा, बिजनेस के लिए पॉजिटिव, सेल ज़्यादा। क्या कहला है? लोग इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंकों में नहीं, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? हमें हराम नहीं, हलाल के बिजनेस से प्रॉफिट खाना है। तो सूरत में बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट के चांसेस हाई, बिजनेस ग्रो होंगे। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बिजनेस क्या करेगा? कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम है तो ज्यादा बोरिंग के थ्रू लोन लेके भी बिजनेस को क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा। तो उसे भी क्या होगा? बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी। ये दो फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक फैक्टर है, या इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है जो बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। बात दोनों का मतलब सेम ही है। क्या कह रहा? इसके अलावा हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको इंटरनेशनल पेमेंट इक्विलिब्रियम का नाम भी दिया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट या इंटरनेशनल पेमेंट इक्विलिब्रियम। इंटरनेशनल मीन रिसीट पेमेंट का इक्विलिब्रियम। आइदर बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है या फिर डेफिसिट में है। सरप्लस में है तो हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस होना हमारे बिजनेस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्यों? इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। इकोनॉमी को ग्रोथ में लेके जा रहा है तो बिजनेस के लिए भी पॉजिटिव है। डेफिसिट का मतलब क्या? आपकी नेशनल इनकम को कम कर रहा है तो इकोनॉमी के लिए क्या कर रहा है? डिक्लाइन में लेके जा रहा है। तो बिजनेस के लिए भी क्या है? नेगेटिव मीन थ्रेट है। क्या ख्याल है? ये बात समझ आती है? बाकी इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इफेक्ट होते हैं। तो अगर डायरेक्टली नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की सूरत में हमारे बिजनेस को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करेगा? अफेक्ट करेगा। सो ये कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। अब एक फैक्टर हम और पढ़ने जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या? स्टॉक एक्सचेंज बूम पे जा रही है या फिर डिक्लाइन में जा रही है? शेयर की बाइंग सेलिंग ज्यादा हो रही है, मीन स्टॉक मार्केट बूम पे जा रही है। बाइंग सेलिंग ज्यादा क्यों हो रही है? लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लोगों की इनकम ज्यादा है, तो इकोनॉमी को क्या करेगा? ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। तो बिजनेस के लिए क्या होगा? अपॉर्चुनिटी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स डाउन में जा रहा है, मीन शेयर के अंदर ट्रेड नहीं हो रही। क्यों ट्रेड नहीं हो रही? बिजनेस के हालात बहुत बुरे हैं, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो इससे इकॉनमी डिक्लाइन में जा रही है। तो बिजनेस के लिए क्या है? थ्रेट है। तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करता है। क्या कहला? ये बात समझ आती है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एक KSE 100 इंडेक्स होता है
और एक पी एस एक्स इंडेक्स होता है। के एस ई क्रॉची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स मीन जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनके इंडेक्स को देखना, ये क्या है के एस ई 100 इंडेक्स। और पी एस एक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मीन जितनी भी कंपनीज हैं सारे के इंडेक्स को देखना, ये क्या है पी एस एक्स इंडेक्स है। क्या कहला, ये बात समझ आती है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स हाई जा रहे हैं, बूम पे जा रहे हैं, दिस मीन इन्वेस्टमेंट अच्छी हो रही है, लोगों के पास पैसा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, नेशनल इनकम ग्रो कर रही है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स डाउन में जा रहा है मीन शेयर्स में ट्रेड नहीं हो रही, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हालात बुरे हैं, मीन इकॉनमी डाउन में जा रही है। हाँ, स्टॉक मार्केट इंडेक्स दो तरह के होते हैं, के एस ई कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स मीन टॉप 100 कंपनीज जो हैं उनके इंडेक्स को देखना, या फिर पी एस एक्स मीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स मीन जितनी भी कंपनीज हैं सबको मिला के जो है वो देखना, तो ये क्या होगा पी एस एक्स। अब स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए एक टूल यूज होता है जिसे नाम देता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्या नाम दिया जाता है? मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैसे कैलकुलेट होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन? टोटल नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, मीन जितने भी एक कंपनी ने शेयर इशू किए हुए हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट वैल्यू पर शेयर के साथ, हमारे पास क्या आएगी मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक कंपनी की कैलकुलेट की, सारी कंपनीज की कैलकुलेट करके ऐड कर ली, तो क्या आ गई पूरी मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन। शेयर कंपनी ने जितने इशू किए होते हैं वो फिक्स रहते हैं, लेकिन शेयर प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड की सूरत में या डिक्रीज होती है सप्लाई की सूरत में। हाँ, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, क्यों शेयर की प्राइस इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है, डिमांड ट्रेड उसमें ज्यादा हो रही है, तो दिस मीन हमारा स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या जा रहा है अप जा रहा है। क्या कहला, मार्केट कैपिटलाइजेशन डाउन हो रही है, क्यों डाउन हो रही है, शेयर तो उतनी है, शेयर प्राइस कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, शेयर की डिमांड नहीं है बल्कि सप्लाई है, लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो दिस मीन स्टॉक मार्केट इंडेक्स कहां पे जा रहा है, डाउन में जा रहा है। ये बात समझ आती है? स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स अप जा रहा है, क्यों, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, दिस मीन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेड हो रही है शेयर्स के अंदर, लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो दिस मीन नेशनल इकोनॉमी किस तरफ है, ग्रोथ की तरफ, तो बिजनेस के लिए क्या है अपॉर्चुनिटी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स डाउन में जा रहे हैं, क्यों, मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो रही है, लोग शेयर्स में ट्रेड नहीं कर रहे बल्कि उल्टा अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं, दिस मीन इकॉनमी किस तरफ जा रही है, ग्रोथ में या डिक्लाइन में, डिक्लाइन में, तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मीन थ्रेट है। क्या कहला, तो स्टॉक मार्केट इंडेक्स या मार्केट कैपिटलाइजेशन एक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। स्टॉक मार्केट अप जा रही है मीन मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज हो रही है तो अपॉर्चुनिटी, स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है मीन मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो रही है, कम क्यों हो रही है, प्राइस पर शेयर जो है वो कम हो रही है। क्या कहला, प्राइस पर शेयर क्यों कम हो रही है, शेयर की डिमांड नहीं है सप्लाई है, शेयर की डिमांड नहीं है सप्लाई है, सप्लाई की सूरत में क्या है, लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही उल्टा कम हो रही है। क्या कहला है, तो दिस मीन हमारे बिजनेस के लिए क्या है थ्रेट है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर या मार्केट वैल्यू पर शेयर। क्या कहला है, जिससे एक कंपनी की वर्थ का अंदाजा भी लगाया जा सके, यही कंपनी की वर्थ है, इंक्रीज हो रही है तो कंपनी की वर्थ बढ़ रही है, डिक्रीज हो रही तो कंपनी की वर्थ कम हो रही है। अब ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं या दो तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, एक होती है फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन
फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन, और एक होती है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। दो तरह से कैलकुलेट की जाती है, फुल कैप मेथड के थ्रू या फिर फ्री फ्लोट के थ्रू। फुल कैप मेथड क्या है कि कंपनी ने जितने भी शेयर्स इश्यू किए हुए हैं सारे शेयर्स लेके मार्केट वैल्यू पर शेयर लेना, ये क्या है? फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन। मीन मैक्सिमम जितने भी शेयर्स हैं जो कंपनी ने इश्यू किए हुए हैं वो सारे लेके उनकी मार्केट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना, क्या है? फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट क्या है? कि सिर्फ वो शेयर्स लेना जो मार्केट के अंदर फ्लोट हो रहे हैं, मीन ट्रेड हो रहे हैं। क्यों? कंपनी के कुछ शेयर्स डायरेक्टर ने लेके अपने पास रखे होते हैं, प्रमोटर्स ने कुछ शेयर्स अपने पास रखे होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपने पास रखे होते हैं, कुछ कंपनी ने सीडीसी में रखवाए होते हैं, तो ये ट्रेड नहीं हो रहे। जो डायरेक्टर्स के पास पड़े हैं, प्रमोटर्स के पास पड़े हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपने पास लेके रखे हुए हैं, कंपनी ने सीडीसी में रखवाए हुए हैं, तो ये ट्रेड नहीं हो रहे। सिर्फ जो ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में वो लेके उनकी मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई करना, ये क्या है? फ्री फ्लोट। मीन सिर्फ वो शेयर्स के थ्रू मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना जो फ्लोट हो रहे हैं, मीन जो ट्रेड हो रहे हैं। जो ट्रेड नहीं हो रहे उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। ये बात समझ आती है? मार्केट कैपिटलाइजेशन दो तरह से मेजर की जाती है। फुल कैप मीन ऑल शेयर्स जितने भी इशू किए हुए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना। फ्री फ्लोट जो सिर्फ फ्लोट मीन ट्रेड हो रहे हैं, एक्सक्लूडिंग दो शेयर्स दैट आर होल्ड बाय द डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स या फिर सीडीसी, उनको एक्सक्लूड करके जो ट्रेड हो रहे हैं सिर्फ उनकी बेस पर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना, ये क्या है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हमने देखा जी स्टॉक मार्केट इंडेक्स दो तरह के होते हैं, KSE 100 इंडेक्स एंड PSX इंडेक्स। ये जो PSX इंडेक्स है ये कैलकुलेट किया जाता है थ्रू फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये थ्रू फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट किया जाता है। मीन सारे के सारे शेयर्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, जबकि KSE 100 इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कैसे? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर टेस्ट कर सकते हैं, क्या कहला है कि KSE 100 इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है फ्री फ्लोट या फिर फुल कैप के थ्रू, तो फ्री फ्लोट के थ्रू। PSX सारी कंपनीज के शेयर, जब सारी कंपनीज के शेयर के थ्रू आपने जो है प्राइस इंडेक्स देखना है तो उस रूप में फिर क्या करोगे? फुल कैप। फुल कैप मीन सारे के सारे शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन यूज करोगे। सो स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट करता है। क्यों? इससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ या डिक्लाइन का पता चलता है। स्टॉक मार्केट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है? थ्रू मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन मीन कंपनीज के जितने भी शेयर्स इशू हुए हैं मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर। इंक्रीज हो रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दिस मीन स्टॉक मार्केट बूम पे जा रही है, अप जा रही है। डिक्रीज हो रही है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दिस मीन स्टॉक मार्केट डाउन जा रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन दो तरह से कैलकुलेट की जाती है, फुल कैप मेथड के थ्रू, फ्री फ्लोट के थ्रू। फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स इशूड, जबकि फ्री फ्लोट ओनली इंक्लूडिंग दो शेयर्स दैट आर बीइंग ट्रेड, एक्सक्लूडिंग दो शेयर्स दैट आर हेल्ड बाय डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर या फिर सीडीसी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स दो तरह से होते हैं, KSE 100 इंडेक्स जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा, और PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा। सो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट होना चाहिए इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या है, कुछ 4-5 इफेक्ट हमें बताने आने चाहिए, हाउसहोल्ड पे, बॉरर पे, लेंडर पे, सेवर पे, बिजनेस पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, क्या कहला है? और हमें ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है इसकी दो टाइप्स एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए।
इंटरेस्ट रेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है बोरिंग पे, कंजम्पशन पे, सेविंग पे या बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे? तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से कंजम्पशन, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से कंजम्पशन कम होगी, क्यों? सेविंग जो है वो बढ़ेगी। बोरिंग, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से कम होगी, क्यों? कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट बिजनेस की कम होगी, क्यों? लोग इक्विटी में नहीं बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होने से सेविंग कम होगी, लोग सेव नहीं करेंगे, बैंकों में नहीं रखेंगे, क्यों? हराम नहीं खाना, इंटरेस्ट रेट कम है। लेकिन कंजम्पशन बढ़ेगी, बोरिंग बढ़ेगी, क्यों? कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी, क्यों? लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, बैंकों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और बैंक भी लोन लेके आगे क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्या कहला? नोट्स आपको मिले हैं। नोट्स के अगर हम पहले दो पेजी छोड़ दें, पेज नंबर 3 पे अगर हम आए, पेज नंबर 3 पे नोट्स का पेज नंबर 3, जीडीपी एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। कैसे कैलकुलेट होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स क्या है, एम क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या ख्याल है? गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होती है कि सारे फैक्टर इंक्रीज किए जाएं। किसी एक को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो उसे क्राउडिंग आउट इफेक्ट आ जाएगा। क्राउडिंग आउट इफेक्ट मीन अदर नेगेटिवली इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। लाइक जी को अगर गवर्नमेंट ने इंक्रीज करने की कोशिश की टू इंक्रीज नेशनल इनकम, और जी इंक्रीज करना है थ्रू हाई टैक्सेशन, तो उसे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इवन एक्सपोर्ट कम होने से आपकी नेशनल इनकम उल्टा एडवर्स हो जाएगी। और नीचे उसने लिंक बता दिया बिटवीन इन्फ्लेशन और जीडीपी क्या है, कि हमारी एक ग्रोथ नेशनल इनकम को इन रियल टर्म इन्फ्लेशन क्या करता है, डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल विदाउट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और रियल विद इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या कहला? नेक्स्ट पेज पे गए तो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन उसने बता दिया जी किस चीज़ पे क्या क्या इम्पैक्ट आता है। नीचे कुछ इम्प्लीकेशन ऑफ हाई इन्फ्लेशन नज़र आ रही है। इन्फ्लेशन दो तरह का होता है, कॉस्ट पुश भी होता है, डिमांड पुल भी होता है। इसके सेंटर में देखो तो उसने हमें कुछ पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट्स भी दे दिए। इन्फ्लेशन कैसे निकाला जाता है? इंडेक्स नंबर के थ्रू निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कहीं पे QM में पढ़ा था। क्या कहला है? करंट ईयर डिवाइड बाय बेस ईयर इनटू 100, मीन पिछले साल को कंपेयर करते हुए हम निकालते हैं कि कितने परसेंट करंट ईयर में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। वो कहता है जी अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, CPI सजेस्टेड बाय 9.7% ऑन ईयर बेसिस इन जून 2021 वर्सेज 8.6% लास्ट ईयर, मीन 2020 में 8.6% था, 21 में 9.7% हो गया। अच्छी बात, बुरी बात? बुरी बात, इंक्रीज हो गया। द इन्फ्लेशन रेट रिमेन्ड हाई थ्रू आउट द फिस्कल ईयर 2020-21, इट रीच्ड अ पीक ऑफ 11.1% इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 एंड अचीव्ड अ सिग्निफिकेंस डिप ऑफ 9.7% इन जून। क्यों? अप्रैल में लास्ट ईयर रमजान आया था, 2021 के अप्रैल में रमजान आया था। रमजान में सारे लोग बड़े दीनदार हो जाते हैं। क्या ख्याल है? प्राइसेस हर चीज की बढ़ जाती हैं। हाँ, जून में जाके प्राइसेस थोड़ी सी कम हो जाती हैं। क्या ख्याल है? क्यों? तब डिमांड शायद इतनी ज्यादा नहीं रहती। रमजान में हर चीज की, ग्रॉसरी आइटम की डिमांड ज्यादा होती है, तो इसलिए प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जी इससे आगे गए तो उसने अनएम्प्लॉयमेंट हमें दे दिया, एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है, वेरी हाई लेवल भी बिजनेस के लिए बुरी है और वेरी लो लेवल भी बिजनेस के लिए बुरी है। क्या ख्याल है? क्यों वेरी लो लेवल क्यों बुरी है? उससे शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाएगी, स्किल लेबर नहीं मिलेगी। स्किल लेबर नहीं मिलेगी अगर लेनी पड़ेगी हमें तो कॉस्ट हमारी हाई हो जाएगी। उसके बाद एक इकोनॉमिक स्टेग्नेशन उसने दे दिया फैक्टर। इकोनॉमिक स्टेग्नेशन क्या है? स्टेग्नेट का मतलब होता है रुक जाना। स्टेग्नेट का मतलब क्या है? रुक जाना। मतलब क्या हुआ? कि हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज नहीं हो रही, मीन गुड्स एंड सर्विसेज मोर प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन पॉपुलेशन तो और प्रोड्यूस हो रही है। इससे क्या होगा? पर कैपिटा इनकम आपकी कम होना शुरू हो जाएगा। इसको क्या नाम दिया जाता है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का। मीन इकॉनमी आपकी रुक गई है, सुकड़ गई है। मीन रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे। पोटेंशियल है आपके अंदर रिसोर्सेज को यूज करने का, लेकिन यूज नहीं हो रहे। मीन लेबर फारिग बैठी है। क्यों? पॉपुलेशन के थ्रू इंक्रीज हो रही है, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज उतनी प्रोड्यूस हो रही है जितनी पहले थी, तो रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? वेस्ट हो रहे हैं। तो इसे क्या नाम देता है? इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। समटाइम पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ जाता है, फिर पूरी दुनिया की इकॉनमी रुक जाती है।
लेकिन उसमें कुछ कंट्रीज फिर भी इंजॉय कर रहे होते हैं, इन ग्रोथ में होते हैं। कैसे? ये नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा, ये नहीं बढ़ रहा, तो कुछ कंपनी अपनी नेशनल इनकम को इंक्रीज करते हैं। कैसे? इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके, कि बाकी फैक्टर ये नहीं बढ़ रहे तो नेशनल इनकम कैसे ग्रो करेंगे? इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करके। इंपोर्ट को कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है? टैरिफ, टैक्स ऑन इंपोर्ट लगा के, जिससे इंपोर्ट कम हो जाएगी। एम्बार्गो, बैन कर देना कुछ इंपोर्टेड गुड्स को, या कोटा, लिमिट सेट कर देना, भाई इससे ज्यादा बाहर से चीजें नहीं आ सकती, जिससे क्या होगा? इंपोर्ट कम हो जाएगी। लेकिन ये बहुत ही गलीज हरकत है। दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन है WTO के नाम से। किस नाम से? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कहती है कि दुनिया के अंदर क्या होनी चाहिए? फ्री ट्रेड होनी चाहिए। मीन आपको ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। और ये जो आपने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया, टैरिफ, टैक्स ऑन इंपोर्ट के थ्रू, एम्बार्गो, इंपोर्ट को बैन करके, या कोटा लिमिट सेट करके, इस पॉलिसी को नाम दिया जाता है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग इंपोर्ट, कंट्रोलिंग इंपोर्ट थ्रू सम मेजर्स। मेजर्स क्या है? टैरिफ, टैक्स ऑन इंपोर्ट, एम्बार्गो, बैन ऑन इंपोर्ट, कोटा मीन लिमिट ऑन इंपोर्ट। और अगर आप इसको पता चल गया, WTO को, जिसने पूरी दुनिया में फ्री ट्रेड का ठेका उठाया हुआ है, चाहती है कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, ट्रेड रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, और इसको पता चल गया कि आपने प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी के थ्रू इंपोर्ट रोकी है, मीन फ्री ट्रेड को रोका है। क्यों? आपने इंपोर्ट किसी दूसरे कंट्री की एक्सपोर्ट रोकी है, ये फिर क्या करेगा? पूरी दुनिया को बता देगा WTO कि इस कंट्री के साथ ट्रेड बंद कर दो। और पूरी दुनिया की अगर आपके साथ ट्रेड बंद होगी तो उल्टा आपकी जो एक्सपोर्ट हो रही थी वो भी क्या हो जाएंगी? तबाह, मीन आप बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए कुछ कंट्री इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के बावजूद ग्रोथ में होते हैं थ्रू प्रोटेक्शनिज्म। तो ये पॉलिसी अगर अडॉप्ट करनी है तो बड़ी ही सीक्रेटली अडॉप्ट करनी है, क्यों? अगर दुनिया को पता चल गई तो फिर WTO क्या करेगा? दुनिया को आपके साथ ट्रेड करने से रोक देगा। अभी पिछले साल क्या हुआ, 2 साल पहले अमेरिका ने क्या किया, चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया। अमेरिका में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं ना, सारी की सारी चाइना से जाती हैं। हम यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट को, इलेक्ट्रॉनिक को नहीं प्रेफर करते, क्योंकि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी आती नहीं है। अमेरिका में अच्छी क्वालिटी जाती है, मीन हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट चाइना से जाती है। अमेरिका ने क्या किया, उसके ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया। चाइना ने क्या किया, अमेरिका से कुछ प्रोडक्ट्स चाइना में भी आती हैं, चाइना ने उसके ऊपर डबल टैक्स इंपोर्ट कर दिया। और पूरी दुनिया की इकॉनमी को इस वक्त सपोर्ट कर रहा है चाइना, तो फिर अमेरिका, हम भाई भाई हैं, मिलके कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, हमें उनको अपने वो टैक्स क्या करना पड़े, कम करना पड़े। सो ये एक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, इसमें लर्न करने वाली कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ रीडिंग है कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या होती है, कैसे कुछ कंट्री इकोनॉमिक स्टैग्नेशन के बावजूद इंजॉय कर रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म के थ्रू। हाँ, वो प्रोटेक्शनिज्म क्या है, नीचे ये बताया गया है, 5 तरह से प्रोटेक्शनिज्म हो सकती है। टैरिफ मीन टैक्स के, टैक्स ऑन इंपोर्ट, कोटा लिमिट सेट कर देना, एम्बार्गो मीन बैन कर देना इंपोर्ट को, या एक्सचेंज रेट कंट्रोल के थ्रू भी इंपोर्ट को अफेक्ट किया जाता है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल के थ्रू इंपोर्ट को अफेक्ट किया जाता है। एक्सचेंज रेट कंट्रोल क्या है? अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लेना, अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर लेना। इससे क्या फायदा होगा? आपकी करेंसी जब डी वैल्यू होगी तो आपकी जो चीजें हैं वो सस्ती नजर आएंगी। आपकी करेंसी डी वैल्यू मीन डॉलर महंगा, तो इंपोर्टेड चीजें महंगी नजर आएंगी, तो उसे लोग क्या करेंगे? इंपोर्टेड चीजों को नहीं, लोकल को प्रेफर करेंगे। बाहर आपकी चीजें सस्ती हैं तो बाहर लोग क्या करेंगे? आपकी चीजों को प्रेफर करेंगे, तो उसे क्या होगा? एक्सपोर्ट ज्यादा, इंपोर्ट कम हो जाएगी। ये भी क्या है? एक प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है, मीन एक्सचेंज रेट कंट्रोल, मीन डी वैल्यूइंग लोकल करेंसी। अपनी लोकल करेंसी को डी वैल्यू करके भी आप इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट और एक्सपोर्ट को ज्यादा कर सकते हो। या क्या है प्रोटेक्शनिज्म, के आप मार्केटिंग कर रहे हो
मीडिया के अंदर कि आप लोकल चीजों को ज्यादा प्रेफर करो। क्यों? ये लोकल चीजें आपके कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, आपके कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं, तो इससे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहां पे क्रिएट होती हैं? आपके कंट्री में। तो इकॉनमी किसकी ग्रो होगी? आपकी। इंपोर्टेड चीजों को प्रेफर करोगे तो कहां पे प्रोड्यूस हुई हैं? बाहर। उसने इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहां पे क्रिएट की हैं? बाहर। तो इकॉनमी किसकी ग्रो होगी? बाहर वालों की, आपकी नहीं। तो प्रोटेक्शनिज्म पांच तरह से होती है। टैरिफ के थ्रू। टैरिफ का मतलब क्या है? टैक्स ऑन इंपोर्ट। कोटा के थ्रू। कोटा बोलते हैं लिमिट, इंपोर्टेड गुड्स पे लिमिट लगा देना। या फिर एम्बार्गो। एम्बार्गो बोलते हैं बैन को। या फिर एक्सचेंज रेट कंट्रोल। एक्सचेंज रेट कंट्रोल मतलब क्या है? एक्सचेंज रेट कंट्रोल का मतलब क्या है? डी वैल्यू लोकल करेंसी। एक्सचेंज रेट कंट्रोल, डी वैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी। या फिर क्या है? एडवर्टाइजमेंट। किस चीज की? एडवर्टाइजमेंट टू यूज लोकल गुड्स रादर देन इंपोर्टेड गुड्स। किस तरह से? कि भाई इसे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाहर क्रिएट हो रही हैं, इकॉनमी उनकी ग्रो हो रही है। लोकल को प्रेफर करोगे तो इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यहां पे क्रिएट होंगी, आपकी इकॉनमी ग्रो होगी, आपकी कंट्री के अंदर पैसा रहेगा। जिससे नेक्स्ट पेज सिक्स पे चलें, अगर हम पेज सिक्स पे चलें, इंटरनेशनल पेमेंट इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक्सप्लेन कर दिया गया है। और इसमें देखिएगा पेज सिक्स के डाउन पे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ पाकिस्तान भी मिलेगा। पाकिस्तान एक्सटर्नल अकाउंट पोजिशन कंटिन्यू टू इंप्रूव ड्यूरिंग जुलाई जून फिक्सल ईयर 21। क्यूमुलेटिव करंट अकाउंट रिमेन्ड इन सरप्लस विद अ मॉडेस्ट डेफिसिट इन थर्ड क्वार्टर। देयर वाज एन इंक्रीज इन रिमिटेंसीज विच इंप्रूव करंट अकाउंट बिसाइड डेफर्ड इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूस एयर ट्रैवल एंड लोअर ऑयल प्राइसेस। मीन ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसके अंदर दो अकाउंट यूज होते हैं, एक होता है ट्रेड अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। ट्रेड अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ली जाती है। करंट अकाउंट के अंदर गुड्स सर्विसेज की ट्रेड भी, इसके अलावा आपने फॉरेन कोई लोन लिया है दिया है वो भी आ जाएगा, फॉरेन कोई इन्वेस्टमेंट की है या उन्होंने इधर की है वो भी आ जाएगी, बाहर से आपकी कोई रिमिटेंसीज आ रही हैं, बाहर के लोग आपको भेज रहे हैं तो वो चीजें भी आ जाएंगी। ट्रेड अकाउंट और करंट अकाउंट। ट्रेड अकाउंट के अंदर क्या है? सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की इंपोर्ट एक्सपोर्ट। करंट अकाउंट के अंदर ट्रेड अकाउंट भी है लेकिन साथ कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आई है या आपने की है तो वो भी आ जाएगा, कोई लोन लिया दिया है तो वो भी आ जाएगा, फॉरेन रिमिटेंसेस आपको मिली हैं बाहर से तो वो भी आ जाएंगी, फॉरेन की एड मिली है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। ऑब्वियसली एड मिली है तो कैसे मिली है? आपका रुपी में कन्वर्ट करके आपको मिली है। बाहर से कोई रिमिटेंस आई है तो कैसे आई है? आपके रुपी में कन्वर्ट करके आई है। लेकिन अगर आपने बाहर से लोन लिया है, क्या ख्याल है, या लोन पे किया है तो वो फिर डॉलर के रेट को वो भी इफेक्ट करेगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो अकाउंट यूज होते हैं, एक ट्रेड अकाउंट और करंट अकाउंट। ट्रेड अकाउंट में क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। जबकि करंट अकाउंट में ट्रेड अकाउंट के अलावा क्या है? फॉरेन लोन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन रिमिटेंसेस। फॉरेन लोन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन रिमिटेंसेस। जिससे आगे अगर हम चलें तो नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी उसने दे दिया। फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? इंटरेस्ट का क्या इफेक्ट होगा अगर इंक्रीज करेंगे बोरिंग पे, इन्वेस्टमेंट पे, कंजम्पशन पे और इन्फ्लेशन? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन कम होगा या ज्यादा होगा? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन कम होगा, और इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करने से बोरिंग कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, लेकिन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई इंटरेस्ट रेट कम करने से ज्यादा हो जाएगी। जिससे नेक्स्ट पेज एट पे अगर हम चले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है वो बता दिया गया। फुल कैप, फ्री फ्लोट, स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स के एससी 100 इंडेक्स क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, क्या ख्याल है? और स्टॉक चेंज डिसीज एंड बिजनेस डिसीजन, ये जस्ट रीडिंग है, इसमें लर्न करने वाली बातें हम ऑलरेडी बोर्ड पे डिस्कस कर चुके हैं। मीन कॉन्सेप्चुअली कवर करना है, रटे शटे
नहीं लगाने। जो मेन चीज है इस चैप्टर में वो पेज 9 पे कुछ कवर करने वाली, अगर आप आए पेज 9 पे एक छोटा सा चार्ट मिलेगा, चेंज इन इकोनॉमिक इंडिसेस एंड सम कॉमन बिजनेस रिस्पॉन्स, मीन इकोनॉमिक फैक्टर में चेंज आने से बिजनेस का क्या रिस्पॉन्स होगा या होना चाहिए, हाई अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में कंज्यूमर क्या करेगा, स्पेंड ज्यादा करेगा या कम करेगा? कम करेगा। क्या कह रहा है? कम स्पेंड करेगा, क्यों? उसकी परचेजिंग पावर कम है। तो बिजनेस का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? प्राइसेस कम करनी चाहिए ताकि सेल को इंक्रीज किया जा सके। क्या ख्याल है? बिजनेस का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? प्राइसेस कम करनी चाहिए। लो अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे। क्या ख्याल है? लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे तो बिजनेस क्या कर सकता है? डिमांड के अकॉर्डिंगली प्राइसेस हाई चार्ज कर सकता है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज है तो सेविंग ज्यादा होगी, कंजम्पशन कम होगी। क्या ख्याल है? तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट रेट जब कम होता है लोग कंजम्पशन नहीं कर रहे, लेकिन क्यों इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की सूरत में। तो बिजनेस यहां पे एक पॉलिसी अडॉप्ट करता है, श्रिंकफ्लेशन। क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है? श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन का मतलब क्या है? कि इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ है, दिस मीन इन्फ्लेशन हाई है, तो बिजनेस क्या करेगा? श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन का मतलब क्या है? कि अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस नहीं बढ़ानी, अपनी प्रोडक्ट का साइज क्वांटिटी कम कर देनी है। ये टिकी पैक बिस्किट अगर आप देखो, प्राइस उतनी है, पहले इसके अंदर चार बिस्किट होते थे, अब दो होते हैं। हाफ रोल की बात करो तो पहले इतने बड़े साइज का बिस्किट होता था, अब इतने इतने बिस्किट हो गए हैं। ये क्या है? श्रिंकफ्लेशन। के प्राइस नहीं बढ़ाई लेकिन प्रोडक्ट का साइज या क्वांटिटी जो है वो कम करके कस्टमर को मेंटेन रखा है। कब? जब इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो इंटरेस्ट रेट जब हाई होगा तो कंजम्पशन कम होगी, सेविंग ज्यादा होगी, बिजनेस की सेल भी इफेक्ट होगी। तो बिजनेस को क्या करना है? इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट हाई हुआ है तो बिजनेस फिर क्या करेगा? श्रिंकफ्लेशन पे चला जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा होगी, सेविंग कम होगी, तो बिजनेस को क्या करना है? बिजनेस अपनी प्राइसेस हाई चार्ज कर सकता है। उस तरह से वो कहता है इंक्रीज वैल्यू ऑफ पाक रुपी, पाक रुपी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो लोग लोकल चीजों को प्रेफर करेंगे या इंपोर्टेड चीजों को प्रेफर करेंगे? इंपोर्टेड चीजों को प्रेफर करेंगे तो बिजनेस को क्या करना है? बिजनेस की सेल तो अफेक्ट हो गई ना लोकल की, तो ये फिर क्या करेगा? नई मार्केट्स फाइंड करेगा, मीन ऐसी मार्केट्स फाइंड करेगा जहां से कुछ और कस्टमर मिल सके, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट में लोग इसको प्रेफर करना शुरू हो गए हैं, इंपोर्टेड गुड्स को। अगर नई मार्केट्स फाइंड नहीं करेगा, अपने नए कस्टमर फाइंड नहीं करेगा, तो फिर बिजनेस तबाह हो जाएगा। पाक रुपये की वैल्यू कम हुई है, डॉलर अप गया है, तो इससे क्या होगा? लोग इंपोर्टेड को नहीं लोकल चीजों को प्रेफर करेंगे। तो बिजनेस को भी क्या करना चाहिए? लोकल तो सेल ऑलरेडी इंक्रीज हुई है, साथ एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? बाहर आपकी चीजें क्या होंगी? सस्ती नजर आएंगी, और बाहर से आप कमा के जाएंगे तो वो फिर ज्यादा पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है? सो पाक रुपये की वैल्यू ज्यादा होने से, पाक रुपये की वैल्यू ज्यादा होने से लोग इंपोर्टेड गुड्स को प्रेफर करेंगे, तो बिजनेस को क्या करना है? न्यू कस्टमर, न्यू मार्केट फाइंड करनी है। पाक रुपये की वैल्यू कम होने से लोग लोकल को प्रेफर करेंगे, तो बिजनेस की लोकल सेल तो बड़ी बड़ी है, साथ बिजनेस को क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्यों? बाहर आपकी चीजें जो है वो क्या होंगी? सस्ती ज्यादा बिकेंगी, तो उससे आप कमा के ज्यादा लाओगे। मीन ये कुछ फैक्टर्स हैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बिजनेस को स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट करनी चाहिए। इसके नीचे एक छोटी सी एग्जाम्पल दी गई, आप खुद से रीड करोगे कि अगर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज किया है 20-25%, तो इससे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, हाउस होल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट कम किया है, नहीं इंक्रीज किया है 4-5%, तो इससे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बल्कि कल कवर करेंगे। अभी हमने इस चैप्टर में और भी चीजें कवर करनी, होपफुली कल इसके ऊपर टाइम और लगाएंगे। अभी आज जो चीजें हमने कवर की, इसमें लर्न करने वाली क्या बात थी? इन्फ्लेशन के कोई 5 इफेक्ट हमें लिखने आने चाहिए डिफरेंट फैक्टर्स पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होती है और दो टाइप्स का मतलब क्या है? KSE इंडेक्स थ्रू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेजर होगा, और PSS इंडेक्स थ्रू
फुल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट होगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमें बचपन से इकोनॉमिक्स में पता है, बस सिर्फ हमने क्या किए हैं रिफ्रेश करके बिजनेस के ऊपर उनका इम्पैक्ट देखा। बाग जो कल मिलते हैं।